अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चावल की खीर। चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं एक प्याली और इसको 3 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। इस तरह हो गई। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन किया है और एक मैंने बर्तन रखा है, उसमें मैंने 2 गिलास पानी के डाल दिए हैं। पानी गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये राइस डाल देंगे। राइस हमने डाल दिए, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। राइस को हमने अच्छे से उबालना है, जिस तरह हम आम राइस को उबालते हैं उस तरह हमने उबालना है और फिर उनको छोटा छोटा कर लेना है। चावल हमारे उबाइल हो रहे हैं और पानी में भी उबाइल आ गया। अब हम आँच हल्की कर लेंगे। हमने इसे कवर कर दिए। राइस हमारे उबाइल हो गए, पानी भी हमने खुशक करना है। इसे कवर करके हम पकाएंगे हल्की आंच पे। राइस हमारे उबल चुके हैं, चम्मच की मदद से हमने इन्हें इस तरह प्रेस कर लिया। चम्मच की मदद से इस तरह हमने इनको प्रेस करना है ताकि चावल हमारा साबुत ना रहे, थोड़ा थोड़ा टूट जाए। इस तरह थोड़ा सा पानी में ये भी खुशक कर लेंगे और फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। हमारे पास ये अंडा फेंटर है तो हम इसकी मदद से इसको फेंट लेंगे इसे, ताकि हमारा चावल जो है बिल्कुल टूट जाए, छोटा छोटा हो जाए। देखिए चावल हमारे साबुत मिल गए हैं। अब हम यहाँ पे दूध ऐड कर लेंगे। इसमें दूध ऐड करेंगे इसमें हम 3 केजी। ताकि चावलों में भी रह जाए दूध और हमारी खीर भी अच्छे से पक कर तैयार हो गाढ़ी सी। माशाल्लाह से हमने 3 केजी इसमें दूध ऐड कर लिया। चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची ऐड करेंगे। सब्ज़ इलायची हमने ऐड कर ली है इनके फेस ओपन करके। अब खीर को हम हल्की आंच पर पकने देंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद इस चम्मच को हम हिलाते रहेंगे ताकि हमारी जो खीर है नीचे ना लगे। मगर जो तरीका मैं अपना रही हूँ इससे खीर नीचे नहीं लगेगी। फिर भी हमने थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते रहना। खीर हमारी पक रही है, नॉर्मल आंच पे किया हुआ है, बहुत ज़्यादा ना लो है ना बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर हमारा दूध था, देखिए थोड़ा नीचे हो गया है। इसको 10 मिनट हो गए पकती हुई को, साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे। किशमिश को हमने 3 से 4 दफ़ा अच्छे से पानी से धो लिया। अब इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स कर लिया इसे। एक प्याली चीनी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। खीर हमारी हमें हमेशा हल्की आंच पर, बल्कि हम बहुत ज़्यादा आंच करेंगे तो ये जल जाएगी। 1 घंटा हो गया इसको पकाते हुए, 1.5 से 2 घंटे में रखी है इसको पकने। अभी हमने चीनी डाली है इसमें, आप लोगों को कम लगी तो और ऐड कर लीजिएगा। अभी इसको मज़ीद पकाएंगे हम, क्योंकि हमारी जो खीर है अभी बहुत ज़्यादा पतली है। इतनी पतली हमने खीर नहीं लेनी, हम इसे मज़ीद पकाएंगे हल्की आंच पे। खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। हमने जितनी गाढ़ी चाहिए थी हमने गाढ़ी इसको बना लिया है। ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी, फ्लेम ऑफ करते हैं। ठंडी होने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और जो हमने मेवाचा डालने होंगे ठंडी होने के बाद हम डालेंगे, क्योंकि अगर हम गर्म में डालेंगे तो उनका असल जो टेस्ट होगा वो नहीं रहेगा। खीर को हमने डिश आउट कर लिया है। देखिए हमारी जो खीर है कलर कितना प्यारा आया है उसका।
ठीक है, ऊपर हमने सिर्फ बादाम और पिस्ता काट के डाला है। खीर के ठंडे होने के बाद खीर आपकी कभी भी नीचे नहीं लगेगी। अगर आपने राइस अच्छे से उबाइल कर लिए हैं, उनको अच्छे से पका लिया है, उसके बाद उसमें दूध ऐड करें तो इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी देर बाद हलाएंगे मगर नीचे नहीं लगेगी आपकी खीर। आप खीर बनाते हुए, चावल दूध की खीर बनाते हुए ईज़िली आप अपने दूसरे काम भी कर सकते हो। अगर चावल फूल पका नहीं होगा, उबाइल अच्छे से नहीं हुआ होगा, तो ज़ाहिर है जो आपका दूध चूस लेगा और कच्चा होने के वजह से वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। मेरे तरीके से बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी खीर आपकी। अल्लाह हाफिज़।